स्टूडेंट्स, आई एम माधवी फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल, योर हिंदी टीचर. स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 2, बरगद का वृक्ष. संक्षेपण. प्रस्तुत कहानी में बरगद के पेड़ के माध्यम से विनम्रता के महत्व को बताया गया है. इस समरी में क्या बता रहे हैं कि इस कहानी में हमें क्या बताया गया है, बरगद के पेड़ के माध्यम से हमें बताया गया है कि हमें सबसे प्यार से बात करना चाहिए, कभी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए. ठीक है, तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं. बात उस समय की है जब धरती पर चारों ओर पेड़ पौधे के झुरमुट, वन पशु पक्षी एवं मनुष्य थे. बात किस समय की है, जब क्या होते थे धरती पर, पेड़ पौधों के झुरमुट होते थे, वन थे, पशु पक्षी थे, मनुष्य थे. हाँ, एक विचित्र बात अवश्य थी, उस समय सभी प्राणी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब एक दूसरे की भाषा समझते थे. उस समय एक विचित्र बात क्या थी पता है, कि उस समय के जो मनुष्य थे, जो पशु पक्षी थे, जो वृक्ष थे, वो सब एक दूसरे की बात समझते थे. आज के टाइम पे कोई वृक्ष बात करता है? नहीं करता. लेकिन उस टाइम पे बात करते थे, परस्पर बातचीत भी करते थे. आपस में क्या करते थे, वो बातचीत भी करते थे. एक छोटे से गांव के बाहर हरे भरे मैदान थे. एक छोटे से गांव के बाहर क्या थे, हरे भरे मैदान थे. वहाँ बरगद का एक विशाल वृक्ष था. बरगद का एक कैसा वृक्ष था, बहुत विशाल, बहुत बड़ा वृक्ष था. उसका तना लंबा और मोटा था. उसके पत्ते घने तथा शाखाएं चारों ओर फैली थी. उसकी शाखाओं से जटाएं निकलकर धरती तक आ रही थी. लगता था कि वह वृक्ष वहाँ बहुत वर्षों से खड़ा है. देखो, वहाँ पर जो हरे भरे मैदान थे, वहाँ पर क्या था, एक विशाल वृक्ष था, बहुत बड़ा वृक्ष था, बरगद का वृक्ष. उसका तना कैसा था, लंबा था और मोटा था. ठीक है, तना कैसा था, एक तो लंबा था और मोटा था. उसके पत्ते बहुत ज़्यादा घने थे, शाखाएँ उसकी चारों ओर फैली हुई थी. और जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे कोई मैन होते हैं, एजिड हो जाते हैं, उनके बियर्ड दाढ़ी वगैरह आती है ना, तो ऐसे ही उस पेड़ की जो जटाएँ निकल रही थी ना, वो धरती को छू रही थी. और उससे पता चल रहा था कि ये जो पेड़ है वो बहुत सालों से यहीं पर खड़ा है. मैदान में कुछ गडरिये अपनी भेड़ बकरियां चराने आते थे. मैदान में कौन आता था, कुछ गडरिये आते थे. गडरिये कौन होते हैं, जो भेड़ बकरियां चराते हैं, है ना. मैदान में कुछ गडरिये अपनी भेड़ बकरियां चराने आते थे. उनमें से एक लड़का अपनी बकरियों के साथ आया करता था. गर्मी के दिन थे. बकरियों के साथ इधर उधर घूमते घूमते वह गडरिया लड़का थक कर पस्त हो गया. कुछ देर आराम करने के लिए वह बरगद के उसी वृक्ष के नीचे आ बैठा. देखो, जो मैदान था वहाँ पे कुछ गडरिये अपनी भेड़ बकरियाँ चराने आते थे, तो एक लड़का था, वो भी गडरिया ही था, और वहाँ अपनी बकरियों के साथ में आता था, है ना. और वो गर्मी के एक तो दिन थे, वो उनके पीछे पीछे भाग रहा बकरियों के पीछे, तो वो क्या हो गया, वो थक गया बहुत बुरी तरह से, और थक के वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया आराम करने के लिए. बरगद के नीचे छाया थी. हवा भी शीतल चल रही थी. बरगद के नीचे क्या थी, छाया थी, और जो हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी. हवा के हल्के हल्के झोंके लड़के को थपथपाने लगे. आपने देखा होगा, जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो हमारी आंखें बंद होने लग जाती हैं, नींद आने लग जाती है ना, तो जो हवा के ठंडे ठंडे झोंके थे वो क्या कर रहे थे, लड़के को थपथपा रहे थे, यानी कि उसे नींद आनी स्टार्ट हो गई थी. पेड़ के तने के सहारे लड़का वहीं लेट गया. पेड़ के तने के सहारे उसने क्या किया, वो लड़का वहीं पर लेट गया. लड़के के पास पहले एक ही बकरी थी. लड़के के पास क्या थी, पहले एक ही बकरी थी. धीरे धीरे उसने अपनी होशियारी से बकरियों का एक काफ़ी बड़ा झुंड बना लिया. धीरे धीरे उसने क्या किया, अपनी होशियारी से बकरियों का एक बड़ा झुंड बना लिया. पहले उसके पास एक बकरी थी, लेकिन आज के टाइम पे, सॉरी, जब ये बात चल रही है, उस टाइम पे उसके पास बहुत सारी बकरियाँ हो गई थी. वह अपने आप को महान समझने लगा. वो क्या समझता था, कि मैं बहुत ज़्यादा महान हूँ. तभी उसकी दृष्टि पेड़ पर लगे छोटे छोटे फूलों और फलों पर गई. उसकी नज़र कहाँ गई, पेड़ के ऊपर जो छोटे छोटे फल और फूल लगे हुए थे, उसकी नज़र वहाँ पर गई. बरगद के फूल और फलों को देखकर वह तिरस्कार की हंसी हंसा. तिरस्कार मीन्स क्या होता है, किसी की इंसल्ट करना. तो जब उसने बरगद के फूल और फलों को देखा तो उसे हंसी आ गई इंसल्ट करने के लिए. वह बोला, वाह रे विशाल पेड़,
बस खुद ही बड़े हुए हो, अपने फूल और फलों को तो देखो, अपनी लटकती दाढ़ी रूपी जटाओं को तो देखो, हा 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 हा। वो क्या हो गया, लड़का हंसने लग गया इंसल्ट करने के लिए। उसने क्या बोला, तुम खुद तो इतने बड़े हो गए, अपने फूल देखो, अपने फल देखो, कितने छोटे छोटे से तुम्हारे फूल और फल हैं, बस खुद ही बड़े हुए हो, तुमने अपने फूलों और फलों पर ध्यान नहीं दिया। बरगद ने यह सब सुना परंतु कुछ नहीं बोला। बरगद ये सारी बातें सुनता रहा लेकिन वो बोला कुछ नहीं, बिल्कुल चुप रहा। तभी हवा चलने लगी, पत्तों से सर्र सर्र की हल्की ध्वनि निकली, जैसे वे कोई लोरी गा रही है। लड़के की शीघ्र ही आंख लग गई। क्या हुआ, जब बरगद का पेड़ ने उसको कोई भी आंसर नहीं दिया, उसी टाइम पे ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी तो पत्तों में से जैसे सर्र सर्र की आवाज़ आती है ना, ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई लोरी गा रहा है। और तभी उस लड़के को क्या हो गई, नींद आ गई, उसकी शीघ्र ही आँख लग गई। तभी एक दो फल उसके मुंह पर आके गिरे, जैसे वो सोया ना, एक दो फल उसके मुंह पे आके गिरे। वह हड़बड़ाकर उठ गया, उसने ऊपर देखा, वहाँ उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ा क्रोध में बोला, एक तो मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से हंस रहा है। जब वो पेड़ फूल और फल थे उसके ऊपर गिरे तो उसकी नींद खुल गई, वो डर के उठा। आप सो रहे हो, आपके ऊपर कोई पानी फेंक दे, आप हड़बड़ा के उठ जाओगे ना, ऐसे ही वो हड़बड़ाकर उठा। और उसने जब ऊपर देखा तो उसे किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी, तो उसे क्रोध आ गया, उसे गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोला कि एक तो मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से हंस रहे हो। किससे बोला था वो, बरगद के पेड़ से बोला था। वृक्ष ने भारी आवाज़ में पूछा, क्यों, चोट लग गई क्या? वृक्ष ने क्या बोला, क्यों, तुम्हें चोट लग गई? छोटा सा तो फल था, इतने में ही घबरा गए? अब सोचो, यदि मेरे पेड़ पर तरबूज जितना बड़ा फल लगा होता। उसने क्या बोला, बरगद के वृक्ष ने, कि तुम तो कह रहे थे मेरा छोटा सा फल है, तुम्हें छोटे से फल से चोट लग गई, तुम सोचो अगर मेरे पेड़ पे तरबूज के जितना बड़ा फल लगा होता तो तुम्हारा क्या हाल होता, है ना। वृक्ष फिर बोला, मित्र, किसी को छोटा या कम समझना बुद्धिमानी की बात नहीं है। वृक्ष ने क्या बोला कि दोस्त, किसी को छोटा या कम नहीं समझना चाहिए, कोई बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं होती है किसी को छोटा या कम समझना। यह तो घमंडी होना है, और घमंड करना तो किसी के लिए भी उचित नहीं है। उसने क्या बोला, अगर हम किसी को छोटा समझते हैं, कम समझते हैं, तो दैट मीन्स हम अपने ऊपर घमंड कर रहे हैं, है ना, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखो, मैंने अपनी छाया देकर तुम्हें धूप ताप से बचाया। उसने अपनी छाया दी तभी तो वो धूप से बचा, वरना वो इतनी कड़ी धूप में सड़ता रहता। मेरे तने ने तुम्हें सहारा दिया, मेरी पत्तियों से छनकर हवा शीतल हुई, तुम्हें सुख मिला और तुम सो गए। उसने क्या बोला, तुम मेरे तने के सहारे लेट गए, तुम्हें मेरे पत्तियों से ठंडी ठंडी हवा लगी और तुम सो गए। चिड़िया मुझ पर बसेरा करती है और मेरे छोटे छोटे मीठे फल खाती है। पेड़ ने क्या बोला, चिड़िया भी मुझ पर बसेरा करती है, घोंसला बनाती है ना अपना चिड़िया पेड़ पर, और मेरे छोटे छोटे मीठे मीठे फल खाती है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपका होमवर्क है, इसको रीड कर लेना अच्छे से, कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। और कल आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट का टेस्ट है, ठीक है, जो आपकी कामना कविता जो थी उसके क्वेश्चन आंसर एंड बुक वर्क का टेस्ट है, तो तैयारी कर लेना अपनी। आज टेस्ट बोला था, आज नहीं लिया है, कल होगा आपका टेस्ट, ठीक है।